Red Weekend Stash. Red Weekend Stash. Red FM. Red FM पर Sunday Stars Attack. मनिष्का के साथ सुपर हिट्स 93.5 एफएम का संडे स्टार्स अटैक. आज मेरे साथ सुपरस्टार हिमसेल्फ फुल जहर. रियली मैं मजाक कर रही थी. फुल जहर बोल एक बार तो. फुल जहर चमका दो. ये चीजें प्रीतम जाने से पहले भी बहुत बोला करता था लेकिन अब ये नेशनल फिनोमेनन बन गया है. लाइक एक नंबर मानस. रियली अच्छा सुन ना, हम तुझे ले जा रहे हैं तुम नागपुर जहाँ पर तुम्हारा जन्म हुआ, जहाँ पर तुम थोड़े पढ़े बड़े हो, जहाँ पर खेले कूदे हो, जहाँ पर बहुत लोगों को तंग किया है, जहाँ लड़कियों को बहुत पढ़ाया. अरे लवली कड़वी छौ गली गली. तो अब वो लड़कियाँ तुम्हें देखकर क्या सोचती हो? वो लड़कियों की शादी, सबकी शादियाँ हो गई, सबके बच्चे हो गए, राजीव खुशी रहे जहाँ रहे. All the girls he's loved before. अच्छा, but this is not about the ladies. This is about तुम्हारा पहला apartment. मुंबई के मेयर को जानते या नहीं पता नहीं, लेकिन नागपुर में इसकी चर्चाएं इतनी थी कि वहाँ के मेयर तुम्हें जानते थे. Because मेयर साहब जो थे वो मेरी बिल्डिंग में मेरे पड़ोसी थे. Oh like that. Oh और उनकी बेटी के साथ तो कभी नहीं. उनकी बेटी थी नहीं. थी लेकिन मिली नहीं. इस वक्त मैं हूँ सेठी अपार्टमेंट में जहाँ पर प्रीतम प्यारे रहते थे. ओके अब प्रीतम प्यारे तो सेकंड फ्लोर पर रहते थे. एक ऐसे शख्स के घर में मैं बैठा हुआ हूँ जो प्रीतम प्यारे को जानते हैं, जो कई सालों से सेठी अपार्टमेंट में रहते हुए आए हैं और नागपुर के एक्स मेयर भी हैं. मैं बात कर रहा हूँ अटल बहादुर सिंह सर की. सो सबसे पहले अटल बहादुर सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ प्रीतम प्यारे को कौन सी एज में आपने देखा था जब आप यहाँ पर आए थे? मैं 1990 में यहाँ आया. जिन लोगों से छोटे छोटे बच्चों से के दर्शन हुए उसमें प्रीतम प्यारे भी एक बच्चा. हम लोगों की बिल्डिंग में किलकारियाँ घूमती थी. मेरे घर में चूंकि कोई आई एम सिंगल पर्सन, कोई और है नहीं, इनकी किलकारियाँ मन को लुभाने वाली होती थी. प्रीतम को विंकल नाम इतना प्यारा है कि वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद आ जाता था. प्रीतम वॉज ए वेरी लविंग बॉय. आई हैव सीन ऑल द होल फैमिली. जब भी मुझे देखता था तो रास्ता देता था, हेलो अंकल बोलता था, मिलने आता था. दत्ता सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे मुझे पता चला कि आप प्रीतम प्यारे की फैमिली से काफी क्लोज थे, उनके बारे में जानते हैं, तो ऐसा कुछ था क्या कि वो बहुत शरारती था या आपसे बात करते वक्त डरता था या नहीं बिंदास बात करता था? बेसिकली शरारती तो हर बच्चे होते हैं, लेकिन हाँ इज्जत पूरी देता था पब्लिक में. जो भी सीनियर्स रहे उनको पूरी इज्जत दी उसने. अच्छा. कभी बदतमीजी किसी के साथ नहीं किया. अभी जो वीडियो दिखाया मेयर साहब का अटल बहादुर सिंह, दो बार मेयर रहे नागपुर के. हाँ, दो बार मेयर रहे नागपुर के. और मेरे को मेरे कला में, मेरी मतलब कला फील्ड में आने का इनका बड़ा योगदान रहा, आर्टिस्ट बनने का, क्योंकि इनके पास बहुत सारी क्लासिक फिल्में हुआ करती थी गुरुदत्त के ज़माने की, कागज़ के फूल और टैक्सी ड्राइवर, पता नहीं क्या क्या. तो इन्होंने मुझे कलेक्शन ऑफ कैसेट्स दिए थे कि तुम इनको देखो, ये बहुत बड़े कलाकार हैं. तो मैं उनकी फिल्में ला करके बहुत देखता था. और स्पोर्ट्स, क्योंकि इनके पास स्पोर्ट्स का कोटा था पूरा का पूरा, तो पूरी की पूरी क्रिकेट जो किट होती है वो इन्होंने मुझे बचपन में एक बार दी थी. फिर मैंने उसे रेंट पे चलाया था, पैसे नहीं होते थे गर्लफ्रेंड को यू नो घुमाने फिराने के, तो मैं उसको रेंट पे चलाता था किट को. किसी को नहीं पता, पहली बार बता रहा हूँ. अटल अंकल माफ़ कर देना, सॉरी. और अटल अंकल के बाजू में बैठे हैं बबलू भैया, हमारी बिल्डिंग के सेक्रेटरी, दी सेक्रेटरी बबलू भैया, रूल्स रेगुलेशन बबलू भैया, हमारे नाम है बबलू भैया. तो बबलू भैया की मेडिकल शॉप हुआ करती थी, अब नहीं है, वो कुछ और लाइन में है. तो वहाँ के सेक्रेटरी वगैरह थे, पूरा खाता वाता उनके सपोर्ट था और बढ़िया, उनके साथ भी बड़ा प्यार रहा और बहुत मस्ती की उन्होंने, काफ़ी मस्तियाँ जो है मेरी उन्होंने छुपाई बिल्डिंग की. एक एक बता अलग वाली मस्ती जो एक मस्ती जो मैंने मुझे याद है बिग बॉस के अंदर तूने बोला तो था कुछ, मैंने बड़े गुल खिलाया, बड़े गुल खिलाया नागपुर में. लेकिन एक एक मस्ती मस्ती होते होते वो ट्रेजेडी में बदल गई. वो ये था कि मैंने एक एक नवी स्कूटी, एक टू व्हीलर ली थी, और टू व्हीलर अब मैं रोज़ घुमाता. तो रात को मेरी माँ ने कहा रात को 11 बजे की जा जरा मेडिकल शॉप से दवाई ले. और मैंने कहा मैं दिन भर गाड़ी घुमा दी, पेट्रोल तो रहा नहीं, अब मैं जाकर अपनी माँ से पैसे मांगूंगा तो मेरी माँ को जूते मारेगी कि दिन भर देखो 200-300 रुपये तो 200-300 रुपये का पेट्रोल उड़ा दिया. तो मैं क्या करूँ क्या करूँ. तो मेरे एक दोस्त थे मुन्ना भाई करके, वहाँ के रंगदार. तो मैंने मुन्ना भाई को बोला, मुन्ना भाई
थोड़ी हेल्प कर दो, पेट्रोल चाहिए। अपनी लूना है ना, निकालना उसमें से। नई लूना, नई ब्रांड न्यू लूना कॉलोनी के अंदर खड़ी थी। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसका नॉब खोला, पाइप निकाला, पेट्रोल लिया, और लूना की पाइप चढ़ नहीं रही थी। तो मेरे साथ मेरे एक दोस्त था जुम्मा नाम का, सरदार। तो मैंने कहा जुम्मा ये लग नहीं रही, तो कहा मुन्ना भाई लगाएंगे ना। तो हमने पेट्रोल लिया, मैंने कहा मुन्ना भाई लगा दो इसकी नॉब, वाला मैं लगा देता। हमने पेट्रोल अपनी गाड़ी में डाला, बंदी कर रहे थे, पीछे मुड़ के देखा तो लूनों को आग लगी हुई, लूना जल रही आग के सामने, टायर घूम रहा, लूना जल रही, मट्टी डाल, पानी डाल, क्या डाल क्या नहीं डाल, सब सब बड़ी मुश्किल से लूना बचाए बचाए के पूरी जल के खाक और ब्लास्ट हो गई धड़ करके सामने। मैंने बोला मुन्ना भाई क्या किए, क्या करता, अबे पाइप चढ़ नहीं रहा था तो मैंने आग दे दिया पाइप को, थोड़ा पिघलेंगी तो चढ़ेंगी ना। थैंक गॉड मुन्ना भाई की बाइक थी ना। नहीं, बाद में पता चला मुन्ना भाई की बाइक नहीं थी, फर्स्ट फ्लोर पे कोई मेहमान किसी के घर आया था, इंजीनियर लड़का, जिसकी वो लूना थी, जिसकी लूना को हमने आग लगा दी। लूना उस वक्त 10,000 रुपए की आती थी। पैसे दिए, इंश्योरेंस था वो क्लेम करवा दिया, फिर 1-2 हज़ार रुपए दे करके मामला सेटल किया। और ना बहुत मेरे को तो पूरी बिल्डिंग के सामने मेरी माँ ने जूते मारे। ओके, वरना मैं बोलने वाली थी अंकल अगर आपको अभी तक याद है तो 25 लाख के वजह था आपके सामने बैठे हैं, अभी तो लूना खरीद ही सकते। बहुत बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। उसी का नतीजा है प्रीतम प्यारे, जिसके साथ मैं आपको और कहानियां सुनाऊंगी। अगेन थैंक यू आरजे अक्की फॉर ब्रिंगिंग अस ऑल द स्टफ फ्रॉम नागपुर। सो दैट्स ऑलमोस्ट इट फ्रॉम संडे स्टार्स अटैक, जहां मेरे स्टार इस हफ्ते हैं प्रीतम प्यारे। तो आई विल कीप टॉकिंग टू यू पोस्ट द 11 से भाभी का शो। हाँ, भाभी का शो के बाद। तो अभी हम संडे स्टार्स अटैक की वीडियोस हर हफ्ते डालते हैं, फ्राइडे टू संडे डालते हैं। पिछले हफ्ते अमिताभ बच्चन सर थे, तुम हो, क्या बात। आई नीडेड टू डू समथिंग, यू हैव टू लोगों को बताओ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तेरे टीचर से बात कर दूँ। हाँ, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। रेड एफएम इंडिया इज वेयर वी आर ऑन ट्विटर, ऑन फेसबुक, एंड यहाँ हमारा नाम है 935 रेड टीवी ऑन यूट्यूब। लेट्स सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर स्टार। हेलो करण जो, करण, या ओके, हाँ सर, क्या हाल है सर? प्रीतम मेरी बात कर। 93.5 रेड एफएम।